दोस्तों, ये रियल कामसूत्र बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद इस चैप्टर से शुरू करते हैं, शुभ गंकर प्रकरणम। तो दोस्तों, पिछला वीडियो यानी रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, ये सब अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम यूट्यूब पर सर्च करके उस पर क्लिक करके प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सूत्रकार की अधिकरण के संबंध का कथन करते हैं। कामसूत्र की व्याख्या समाप्त हुई। कामसूत्र में वर्णित विधियों के प्रयोग से अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति न होने पर औपनिषदिक अधिकरण में बताए गए उपायों से कार्य सिद्धि करें। सौभाग्यवर्धक योग को कहते हैं रूप, गुण, आयु और त्याग। ये चार साधन मनुष्य को सौभाग्यशाली बनाते हैं। विमर्श, रूप यानी सौंदर्य, यानी दिखने में कितना सुंदर है। कामसुख की सफलता के लिए रूप सौंदर्य प्रथम आकर्षण है, जिस पर आकर्षित होकर नायक यानी पुरुष अपना सब कुछ नौछावर करने को तैयार रहता है। तो क्योंकि मनुष्य सौंदर्य पासक होता है, उसमें सौंदर्य के प्रति अनुराग होता है, आकर्षण होता है। नेक्स्ट, गुण। कामसुख की सफलता के लिए दूसरा साधन गुण है, जिसके बल पर नायक बड़े से बड़ी सुंदरियों को अपने वश में कर लेता है। गुणवान व्यक्ति समाज में आदर का पात्र होता है। गुण विरूप व्यक्ति को भी सौभाग्यशाली बना देता है। नेक्स्ट, व्यय। आयु कामसुख की सफलता का तीसरा साधन है। आयु यानी वयस्क, क्योंकि स्त्रियां और पुरुष दोनों ही युवावस्था यौवन में ही कामसुख का आनंद प्राप्त कर सकते हैं, किंतु यौवन में ही स्त्री और पुरुष दोनों आकर्षण के केंद्र होते हैं। युवक पुरुष पर ही स्त्रियां रिझती हैं और पूर्ण युवती स्त्रियों पर पुरुष रिझते हैं। युवावस्था में ही सौंदर्य का निखार होता है, काम की वृद्धि होती है। नेक्स्ट, त्याग। कामसुख की सफलता का चौथा साधन त्याग है। त्याग मानव जीवन का प्रमुख अंग है, जिसके बल पर वो प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। त्याग का अर्थ है उदारता। मानव में रूप, गुण और यौवन के होते हुए भी यदि उदारता नहीं है तो सभी विशेषताएँ निरर्थक हो जाती हैं। निर्गुण, कुरूप और बूढ़ा होते हुए भी उदार पुरुष सभी के द्वारा आदरणीय होता है और सर्वत्र पूजनीय होता है। सौंदर्यवर्धक योग। तगर, कूट और तालिस पत्र का लेप लगाने से सौंदर्य की अभिवृद्धि होती है। इन तीनों औषधियों के महीन चूर्ण को रेशमी वस्त्र की बत्ती में लपेटकर बहेड़े के तेल में जलाकर मनुष्य की खोपड़ी में काजल पार कर आँखों में लगाने से सुंदरता बढ़ती है। पुनर्वा, सहदेवी, सारीबा, चितवन, अनंतमूल, कुरंट और कमल पत्र का तेल बनाकर लगाने से सौंदर्य बढ़ता है। मतलब उस समय लोग ये लगाया करते थे सौंदर्य बढ़ाने के लिए। इन सब की माला बनाकर पहनने से भी सौंदर्य बढ़ता है। सफ़ेद और नील कमल के फूल और नागकेसर के चूर्ण को यदि शहद एवं घी में मिलाकर अबलेह बनाकर सेवन किया जाए तो सौंदर्य की अभिवृद्धि होती है। इन्हीं कमल पत्र और नागकेसर के साथ तगर, तालिस पत्र और तुमाल पत्र मिलाकर लेप बनाकर उसका अनुलेपन किया जाए तो सौंदर्य बढ़ता है। यदि मोर और चीते की आंखें सोने के ताबीज में भरकर उसे दाहिने हाथ में बांध लिया जाए तो उससे सौंदर्य की अभिवृद्धि होती है। इसी प्रकार बादरमणि और शंखमणि को भी सोने के ताबीज में भरकर हाथ में धारण करने पर सौंदर्य की अभिवृद्धि होती है। अथर्ववेद यानी चारों वेदों में से एक है। अथर्ववेद में बताए हुए प्रयोगों को भी समझ लेना चाहिए। तो अथर्ववेद की यहाँ पे लिखा गया है, विद्यातंत्र और विद्यायोग से प्राप्त यौवना परिचारिका को उसका स्वामी साल भर तक दूसरों के सहवास से रक्षित रखे, उसके बाद उस रक्षित वाला के साथ विवाह के लिए ललचाए नायकों में प्रतियोगिता में जो अधिक धन दे स्वामी उसी के साथ विवाह कर दे। गणिका, यौवन प्राप्त अपनी तरुणी पुत्री को उसके समान विज्ञानशील और रूप के अनुरूप युवकों को आमंत्रित कर जो इसे अमुक अमुक वस्तु देगा उसी के साथ इसका विवाह करूँगी, इस प्रकार सत रखे और इस प्रकार उसके चरित्र की रक्षा करें। तो उस समय गणिका जो वैश्या नायिका होती थी, स्त्री होती थी, उसका भी शादी
इस तरह किया जाता था, मतलब वैश्या पुत्री का भी। और वैश्या पुत्री मानो माता को कुछ ज्ञात नहीं है, इस प्रकार आमंत्रित धनी नागरिक पुत्रों के साथ प्रेम प्रदर्शित करें। उन धनी युवकों के कला की शिक्षा ग्रहण के समय वैश्या अपनी तरुणी पुत्री को गंधर्वशाला भिक्षुकी के घर और जहाँ तहाँ मिलने दें। वैश्या पुत्री की माँ उनमें से मांगी गई यथेष्ट वस्तुओं को देने वाले युवक के साथ अपनी पुत्री का विवाह करा दें। उतना धन न मिलने पर वैश्या पुत्र की माँ अपने ही पास से धन को मिलाकर दिखाए और माँ से कहे कि ये सब धन मेरी पुत्री को अमुक नायक ने दिया है। वैश्या पुत्री के पूर्ण यौवन प्राप्त हो जाने पर उसकी माँ पूर्वोक्त विधि से युवक को फंसाकर अपनी कन्या का कौमार्य भंग कराए, यानी उसके साथ संभोग कराए। ये माँ को करनी चाहिए। प्रचंड रूप से उस युवती से मिलाकर स्वयं ना जानती हुई बनकर उसके बाद पता चलने पर न्यायालय में निवेदन करें। पूर्व प्रदेश की गणिकाएं कन्या की सहेली अथवा उसकी चतुर्दासी के द्वारा उसका कौमार्य भंग कराकर कामसूत्र में प्रतिपादित काम कलाओं में शिक्षित कराए और उसमें शिक्षित हो जाने पर यौवन और सुंदरता में निखार आ जाने पर वैश्या अपनी पुत्री को स्वतंत्र छोड़ दे, आज़ाद छोड़ दे। वैश्या की पुत्री विवाह करने वाले युवक के साथ एक वर्ष तक रहे, उसके बाद जहाँ चाहे वहाँ संभोग कराए। एक वर्ष बाद विवाहित युवक के बुलाने पर वो अपने लाभ को भी छोड़कर उस रात उसके साथ बिताए। इसके बाद विवाह और सौभाग्यवर्धक का विषय समाप्त हुआ। इसी से रंगमंच पर नित्य नाट्य करने वाली कन्याओं के विवाह विधि की व्याख्या हो गई, किंतु नट नर्तक आदि अपनी पुत्री को उसी को दे जो उसके नित्य गान में विशेष सहायता करे। इस प्रकार शुभंकरण नामक प्रकरण समाप्त हुआ। धतूरा, काली मिर्च और छोटी पीपल के चूर्ण में शहद मिलाकर लिंग पर लेप करने के बाद जिस स्त्री से संभोग किया जाए वो वश में हो जाती है, यानी पुरुष अपने जहाँ से मूत्र निकलता है वो लिंग पर ऐसा लेप करके संभोग अगर करे तो वो वश में कर सकती है स्त्री को। हवा आंधी में उड़ते हुए पत्ते, मृतक के शव पर चढ़ाया गया फूल, मोर की हड्डी के चूर्ण का अबचूर्ण स्त्री के सिर और पुरुष के पैर पर छिड़कने से उसे वश में किया जा सकता है। अपने आप मरे हुए गिद्ध के चूर्ण को शहद में मिलाकर आंवले के रस के साथ शरीर में लगाकर स्नान करने से भी वशीकरण होता है। थूहर यानी वज्र स्नूही के की गांठे टुकड़े टुकड़े करके उसमें मेंसिल और गंधक का चूर्ण 7 बार लपेटकर सुखाए और फिर उसका चूर्ण बनाकर शहद के साथ मिलाकर लिंग पर लेप किया जाए। फिर जिस स्त्री से संभोग किया जाए वो स्त्री वश में हो जाएगी। उपयुक्त चूर्ण को रात में धुआं करके उस धुएं से ढका हुआ चंद्रमा सोने का दिखाई देता है। उपयुक्त वस्तुओं के चूर्ण में वानर की विष्ठा मिलाकर जिस कन्या पर छिड़क दे वही वश में हो जाएगी। वचा की गांठे आम की गुठली के तेल में तल करके शीशम के पेड़ में छेद कर उसमें भर कर ढक दिया जाए। फिर 6 महीने बाद उसे निकल कर उसका लेप शरीर पर लगाए तो वो देवोपम कांति वाला किसी भी स्त्री को वश में कर सकता है। इसी खैर की लकड़ी के टुकड़े को आम के तेल में भिगो कर जिस वृक्ष के तने में छेद कर 6 महीने तक गाड़ रखे फिर वह पुष्प के समान सुगंधित होता है। उसका लेप शरीर पर लगाने से गंधर्व के समान कांति वाला हो जाता है। ये वशीकरण गंधर्व कांत अनुलेप कहा जाता है। तगर और प्रियंगू को एक साथ मिलाकर आम के तेल में भिगोकर नागकेसर के पेड़ के तने में गाड़कर 6 महीने तक रख दिया जाए। फिर उसे निकालकर उपयुक्त विधि से लेप तैयार कर शरीर पर लेप करने से वशीकरण होता है। इस लेप को नागकांत लेप कहते हैं। ऊँट की हड्डियों को भंगराज के रस में 21 बार भावना देकर फिर अंजन के साथ उसका भस्म बनाकर ऊँट की हड्डी की बनी सुरमादानी में उसे रख दिया जाए। फिर ऊँट की हड्डी की बनी सलाई से आँखों में लगाए। ये सुरमा आँखों के लिए लाभकारी है और वशीकरण का कार्य भी करता है। इसी प्रकार बाज, भास और मोर की हड्डियों से तैयार किया गया अंजन भी वशीकरण करता है। अब बाजीकरण का योग को कहते हैं। उच्चटा और कंद यानी जड़ सफ़ेद मूछली मूलहटी के चूर्ण को शक्कर मिले दूध के साथ पीने से मनुष्य सड़िया जाता है। मेष, भेड़ा या बकरा के
अंडकोशों को दूध में पकाकर चीनी मिलाकर पीने से बल वीर्य की वृद्धि होती है। बिदारीकंद, बंसलोचन और के बांज के बीजों का चूर्ण बनाकर दूध के साथ पीने से बल वीर्य बढ़ता है। प्रियाल के बीज, मोटा और दुधिया, बिदारीकंद का चूर्ण दूध के साथ पीने से बल वीर्य की वृद्धि होती है। सिंगाड़ा, कसेरू और महुआ के फूलों को खीर ककोली के साथ पीसकर शक्कर मिले दूध के साथ घी में मंद मंद आंच पर पकाकर हलवा बनाकर नित्य सेवन करने से अनंत स्त्रियों के साथ संभोग करने की शक्ति आ जाती है, ऐसा आचार्य वात्स्यायन का मत है। अन्य आचार्य कहते हैं कि दूध में भिगोई हुई छिलके रहित उड़द की दाल को पानी से धोकर गर्म घी में भूनकर वृद्धावस्था बहुत दिनों की ब्याई हुई गाय के दूध में खीर बनाकर मधु और घी के साथ खाने से असंख्य स्त्रियों के साथ संभोग करने की शक्ति बढ़ जाती है। बिदारीकंद और केवाज के बीज के चूर्ण में शक्कर, मधु और घी मिलाकर गेहूं के आटे में गुटकर पकौड़ियाँ बनाकर नित्य खाने से अनंत स्त्रियों के साथ संभोग की शक्ति उत्पन्न होती है, ऐसा प्राचीन आचार्य कहते हैं। गौरैया के अंडों के रस की भावना देकर चावलों की बनाई गई खीर बनाकर मधु और शहद मिलाकर खाने से असंख्य स्त्रियों के साथ संभोग करने की शक्ति उत्पन्न होती है। भिगोए हुए काले तिलों का छिलका निकालकर उसमें गौरैया के अंडों के रस की भावना देकर सिंगाटक, कसेरू और केवाज के बीज के चूर्ण में मिला ले, फिर गेहूं का आटा और उड़द की पीठी के साथ मिलाकर शक्कर यानी चीनी के साथ दूध और घी में पका ले, इस पाक को प्रतिदिन खाने से अतुल बाजीगर में शक्ति पैदा होती है। कुछ आचार्य का कहना है कि घी, मधु, शक्कर और महुआ का फूल दो दो पल, मधुरसा एक कर्ष और दूध एक प्रस्थ, ये छह अंगों वाला अमृत मेध्य बाजीकरण और आयुर्वर्धक है। आचार्य लोग इसे युक्त रस कहते हैं। शतावरी और गोखरू को गुड़ के कषाय में पीपल और मधु के कल्क में मिलाकर गाय के दूध और बकरी के घी में पकाए, इस पाक को पुष्य नक्षत्र से आरंभ कर प्रतिदिन चाटना मेध्य बाजीकरण आयु और वीर्य का वर्धक है, ये भी युक्त रस है, ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं। शतावर, गोखरू और शिपरनी के फलों का यवकूट करके चूर्ण बनाकर उसे चौगुने पानी में पकाया जाए, जब पानी जल जाए तो उसे नीचे उतार ले, फिर इसे पुष्प नक्षत्र से आरंभ कर चाटना चाहिए, ये योग मेध्यवाजीकरण और आयुर्वर्धक है, ये भी युक्त रस है, ऐसा अन्य आचार्य कहते हैं। गोखरू का चूर्ण और उसी के बराबर जौ का आटा मिलाकर रख ले, फिर प्रातःकाल उठकर प्रतिदिन इस चूर्ण को दो पल खाना बुद्धि और आयुवर्धक और बाजीकरण है, इसे ही युक्त रस कहते हैं, ऐसा कुछ आचार्य का मत है। आचार्य वात्स्यायन मुनि का कहना है कि इनके अतिरिक्त आयुर्वेद, अथर्ववेद और तंत्र शास्त्र तथा गुप्त पुरुषों से प्रीतिकारक योगों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। संदिग्ध शरीर को हानि पहुंचाने वाले जीव हत्या से संबंध और अपवित्र वस्तुओं से युक्त योगों का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। केवल उन्हीं योगों का प्रयोग करना चाहिए जो शिष्ट लोगों द्वारा सेवित हो और विद्वान ब्राह्मणों तथा मित्रों द्वारा प्रशस्त वचनों से अभिनंदित हो। नेक्स्ट, ये लास्ट चैप्टर है जो हम लोग अगले वीडियो पर पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।